हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। कई बार वाइट डिस्चार्जेस भी कभी गंभीर समस्या हो जाती हैं जो महिलाएं उसको समझ नहीं पाती हैं, इग्नोर करती हैं और उनको लगता है कि वाइट डिस्चार्जेस तो एक महिला में एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। वाइट डिस्चार्जेस भला कैसे महिलाओं को परेशान कर सकती है, या फिर कई मामलों में वाइट डिस्चार्जेस भला कैसे प्रेग्नेंट ना होने का भी कारण बन सकती हैं। लेकिन कई वाइट डिस्चार्जेस जो कि वाइट ना हो के कई कलर्स में होते हैं, वाइट डिस्चार्जेस को वाइट डिस्चार्जेस, लिक्योरिया, सफ़ेद पानी का आना, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो अगर वाइट डिस्चार्जेस आपको नॉर्मल कंडीशन में आ रहे हैं तब तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर उसी के साथ वर्स कंडीशन में आ रहे हैं, काफ़ी गंभीर समस्या हो सकती है महिलाओं के लिए। जैसे कि आपके पीरियड आने से पहले आपको ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होना, पीरियड के बाद स्टिकी डिस्चार्ज होना वाइट फॉर्म में या क्रीमी फॉर्म में, ये सारा कुछ तो नॉर्मल है। और उसके साथ कोई स्मेल ना होना, एक बिल्कुल अच्छे क्वांटिटी में होना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वही वाइट डिस्चार्जेस आपको येलोइश फॉर्म में, ब्लीडिंग फॉर्म में, बिना ओवुलेशन या बिना प्रेगनेंसी के ये ब्लीडिंग फॉर्म में, येलोइश फॉर्म में दिख रहा है, तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। और साथ ही इसके साथ आपको कई लक्षण भी दिख रहे हैं, जैसे कि वाइट डिस्चार्जेस के साथ इचिंग होना, इरिटेशन होना, पेन होना प्राइवेट एरिया में, वो बिल्कुल रैशेज होना, रेड पड़ना, साथ ही उसके फीवर भी आपको आ रहा है, प्राइवेट एरिया में दाना हो जाना, काफ़ी ज़्यादा पेन होना, बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन के लिए आना, यूरिन नहीं भी है तो थोड़े थोड़े ड्रॉप्स यूरिन के आना, येलोइश ज़्यादा यूरिन आना, ये वाइट डिस्चार्जेस क्लॉट्स में आना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आना, कहीं ना कहीं महिलाओं की जो बॉडी है वो सही से वर्क नहीं कर रही है या अंदरूनी कोई समस्या है, ये बताता है। ये कई कारण से हो सकते हैं, जैसे कि कोई कॉस्मेटिक्स या प्रोडक्ट के एलर्जी के कारण, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जैसे कि आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं उसके एलर्जी के कारण, इन्फेक्शन होने के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसका बहुत बड़ा कारण माना जाता है। ये इन्फेक्शन कई बार आपके अनहाइजीन रहने से या हाइजीन रहने से भी लग जाता है, जैसे कि अनहाइजीन रहना। कई बार महिलाएं जो हैं यूरिन ऐसे गंदे टॉयलेट्स का इस्तेमाल करती हैं या फिर खुद को हाइजीन नहीं रख पाती हैं, इस कारण भी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है। वही कई महिलाएं हाइजीन रखने के चक्कर में अपने प्राइवेट एरिया को सोप से या फिर कोई ऐसे लिक्विड से वॉश करती हैं जो कि प्राइवेट एरिया के पीएच को बैलेंस से इम्बैलेंस कर देता है और ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए आप डॉक्टर से एंटीबायोटिक का भी कोर्स ले सकती हैं, जो कि आपको 2 से 3 दिनों में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर आप होम रेमेडी भी करना चाहती हैं साथ में, तो आप कर सकती हैं अजवाइन को बॉयल करके उसके पानी से वॉश कर सकती हैं, घर के अगल बगल जिधर भी पास में आपको नीम का पत्ता मिलता है उसको बॉयल करके उसके पानी से वॉश कर सकती हैं, तो इससे बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद मिलता है। साथ ही अजवाइन की धूनी भी आप ले सकते हो। इसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ग्रीन वेजिटेबल्स का भी आपको सेवन करना चाहिए, साथ ही इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। साथ ही अगर आप चाहो तो इसके लिए, ये कई बार ये जो बर्निंग, इचिंग या वाइट डिस्चार्जेस काफ़ी मात्रा में आना, मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, यानी कि कोई महिलाएं सप्लीमेंट ले रही हैं या किसी बीमारी का मेडिसिन ले रही हैं, वो मेडिसिन काफ़ी गर्म हो रहा है उनके बॉडी में, जिसके कारण ये वाइट डिस्चार्जेस या बर्निंग, इचिंग, इरिटेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना थोड़े थोड़े देर पे, ये सारा कुछ होता है। तो ये मेडिसिन का भी एक इफ़ेक्ट होता है महिलाओं के बॉडी पे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये सारे कुछ होम रेमेडीज़ और ये सारा कुछ टिप्स फॉलो कर सकती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।